2009 में लॉन्च हुए केपलर टेलीस्कोप को हमारे मिल्की वे के एक सर्टेन पैच में लाखों करोड़ों की तादाद में पाए जाने वाले स्टार्स और उनमें मिलने वाले एक्सोप्लैनेट्स की रिसर्च के लिए भेजा गया था। इस टेलीस्कोप के 96 मेगापिक्सल कैमरे से एस्ट्रोनॉमर्स को ये अंदाजा हो जाता कि मिल्की वे में कितने ऐसे स्टार्स हैं जिनमें पाए जाने वाले एक्सोप्लैनेट्स में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इस टेलीस्कोप ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में लगभग 5,30,000 से भी ज्यादा स्टार्स और उनमें ऑर्बिट करते हुए 2,600 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट किया। ये एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाले प्लैनेट से एकदम अलग हैं और इनमें से ज्यादातर अर्थ से भी बड़े साइज के हैं। अपने स्टार के काफी करीब ऑर्बिट करने की वजह से इन एक्सोप्लैनेट्स का एक साल अर्थ के कुछ दिनों के बराबर ही होता है। वहीं कुछ प्लैनेट तो इतने गर्म हैं कि वहां पिघलते हुए आयरन और मॉल्टन रॉक की नदियां बहती हैं। लगभग जुपिटर के साइज के ये एक्सोप्लैनेट एक नहीं बल्कि दो सूरज के चक्कर लगाते हैं। अगर हम में से कोई उस प्लैनेट पर मौजूद हो तो उसे एक बाइनरी सनसेट देखने को मिलेगा। पर केपलर टेलीस्कोप ने सक्सेसफुली अर्थ के साइज जितनी बड़ी दुनिया को ढूंढ निकाला है जो अपने स्टार से एक सेफ दूरी पर ऑर्बिट कर रहा है, जिसको हम हैबिटेबल जोन के नाम से भी जानते हैं, जहां टेम्परेचर इतना है जो पानी को भाप बनाकर स्पेस पे ना उड़ने दे और ना इतना कम कि उस पानी को बर्फ बना दे। पर इन सब के बावजूद भी उस प्लैनेट पर लाइफ पनप पाए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। पर केपलर ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को ढूंढ निकाला है जिसने साइंटिस्ट में एक्साइटमेंट भर दिया है। उस प्लैनेट का नाम है K218b। इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में लिक्विड वाटर के ओशन मिलने की काफी संभावना है। अर्थ से करीब 124 लाइट ईयर्स दूर ये एक्सोप्लैनेट अर्थ से करीब 3 times मैसिव है। ऐसे अननोन एलियन वर्ल्ड में एक ऐसे प्लैनेट को ढूंढ निकाल पाना जहां पे पानी मौजूद हो, ये साइंटिस्ट के लिए एक लैंडमार्क डिस्कवरी है। केपलर अपने सफर में आगे बढ़ते हुए कई एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया, जिसमें से दूसरे प्लैनेट का नाम है केपलर 186f। जब नासा ने इस प्लैनेट की और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन रिसर्च की तो उन्हें ये पता चला कि इस प्लैनेट में भी हमारी अर्थ की तरह सीजन्स और क्लाइमेट हो सकते हैं। हैबिटेबल जोन में होने के साथ साथ ये प्लैनेट हमारी अर्थ की तरह अपनी एक्सिस से थोड़ा टिल्टेड है, जो इस प्लैनेट में सीजन्स और स्टेबल क्लाइमेट को बरकरार रखने में मदद कर सकता है। पर केपलर ने अपने पूरे सफर में 2600 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया है, पर उनमें से सिर्फ 16 प्लैनेट ही हैबिटेबल जोन में पाए गए। लेकिन उन 16 में से भी कई प्लैनेट टाइटली लॉक्ड हैं अपने पैरेंट स्टार से, जिसका मतलब उन प्लैनेट की एक सरफेस पर हमेशा दिन और दूसरे पर हमेशा रात होती है, जो इनको रहने लायक नहीं बनाता है। केपलर टेलीस्कोप फाइनली 30th अक्टूबर 2018 को फ्यूल खत्म होने की वजह से डीएक्टिवेट हो गया, पर इस टेलीस्कोप से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन हमें इस यूनिवर्स को और डीपली समझने और स्टडी करने में काफ़ी मददगार साबित हुई है कि क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेली सभ्यता हैं। आपके इसमें क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।